असलकम वरहत लबरक नहमदल रसूल करी मम्म मोहतरम नाजरीन हमें से हर शख्स एक खुशगवार और चैन और सुकून की ज़िंदगी हासिल करना चाहता है मगर सवाल ये पैदा होता है कि यह चैन और सुकून की ज़िंदगी कहाँ मिलेगी आम तौर से ये माना जाता है कि दीन के रास्ते से चैन और सुकून या दुनिया में ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं मिल सकती दीन का जब नाम आता है तो आमतौर से जहन में तस्वूर आता है मस्जिद का नमाज का इबादत का हम मामला को दीन से ख़ारिज समझते हैं हम कारोबार को बिज़नेस को ज़िंदगी की चीज़ों को हम दीन से ख़ारिज समझते हैं हालांकि ऐसा नहीं है हमारा जो दीन है हमारी जो शरीयत है ये शरीयत और ये दीन हमें आख़रत में जो नेमतें मिलेंगी वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी ये हमारा दीन हमारी शरीयत हमें दुनिया में भी एक खुशगवार जिंदगी की जमानत देता है चुनानचे अल्लाह तबारक व तालन मजीद के चौदहवें पारे में सूरत नहल की आयत नंबर नाइन्टी सेवन के अंदर अल्लाह फरमाता है कि मन आमिल तय्यबाजन बिहस या मलूर कि जो भी मर्द या औरत नेक अमल करे इस हाल में कि वो ईमान वाला हो ईमान के साथ अगर वो नेक अमल करे तो अल्लाह का वादा है फ़लनु युया तन तय्यबा उसे हम ज़रूर एक पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाएँगे यहाँ पाकिज़ा ज़िंदगी से मुराद आख़रत नहीं है यहाँ मुराद दुनिया है यानी दुनिया में उसे एक बेहतरीन और पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे वलनजियन्न हम अजर हम मा कानू या मलून और आख़रत में हम उसके अमाल का बेहतरीन बदला उसे अता फ़रमाएंगे नाजरीन इस आयत करीमा से वाज हो गया कि दीन के रास्ते से हमें दुनिया में एक खुशगवार और पाकिज़ा ज़िंदगी मिलती है यही वजह है कि आज भी दुनिया में जिन लोगों के पास दीनदारी की दौलत है जो इस्लाम और ईमान की नमत से मालामाल हैं उनकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और खैर वरकत नज़र आता है अगरचि दुनियावी वसाइल के अतबार से उनके पास क़िल्लत हो कमी हो मगर जो दिल का चैन है जो दिल का सुकून है जिसे हम बरकत कहते हैं वो उनकी ज़िंदगी में भरपूर तरीके से नजर आती है इसके बरखिलाफ़ जिनकी ज़िंदगियों में दीन नहीं है जिनकी ज़िंदगियों में अल्लाह का जिक्र नहीं है जिनकी ज़िंदगियों में नमाज नहीं है जो दीन से दूर हैं उनकी ज़िंदियाँ बेचैनी और बेकरारी वाली नज़र आती हैं चुनान अल्लाह ताला फरमाता है ताहा के अंदर आयत नंबर वन ट्वेंटी फोर और वन ट्वेंटी फाइव के अंदर मन आरोन फिन का कि जो मेरे ज़िक्र से एराज करेगा जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा जो मेरे दीन पर नहीं चलेगा जो मुझे याद नहीं करेगा फ़ इन न लहू मीशतन ज़न का तो उसकी ज़िंदगी को हम तंगी वाली ज़िंदगी बना देंगे उसकी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स और टेंशन से भर जाएगी फ़ इन न लहू मीशतन का व ना शुरू क़ियामत आमा और क़ियामत के दिन हम ऐसे इंसान को अंधा बनाकर उठाएंगे उठाएँगे कला रबिल हशरतनी आमा बसीरा वो कहेगा मेरे रब तूने मुझे अंधा बना करके क्यों उठाया जबकि मैं अच्छा भला देखने वाला था अल्लाह फरमाएगा कज़ाली का अतत का आया तूना फ़ाली कल तुन सा कि मेरी आयतें तेरे पास आईं तूने उनको झुटला दिया उनको नहीं माना उनको भुला दिया तो आज हम तुझे भुला देंगे यानी तेरे साथ रहमत का मामला नहीं होगा नाजरीन खदीस भी अपने सामने रखें अमन चैन और सुकून जिंदगी में आज हमारे नहीं हैं ये हम सब महसूस करते हैं आज लोग डिप्रेशन के शिकार हैं आज कितने लोग नींद की गोलियां लेकर के सो रहे हैं क्यों नहीं है आइए इस हदीस की रोशनी में देखते हैं प्यारे नबी वसल्लम फरमाते हैं कद अफलामा व रोज़ी का الله بما आता कामयाब है वो इंसान जिसे इस्लाम की दौलत मिल जाए जो मुसलमान है और व रोज़ी का कफाफन उसे इतनी रोज़ी मिल गई जो उसकी ज़रूरत को पूरी करती है उसके बाल बच्चे चैन से रहते हैं वो चैन से रहता है बहुत ज़्यादा तो रोज़ी नहीं मिल रही है लेकिन ब़द्र कफ़ाफ उसकी ज़रूरत भर की रोज़ी उसको मिल रही है वो किसी का मोहताज नहीं है किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा है बिमा आता और अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उस पर अल्लाह ताला ने उसको कनात ये कनात बहुत बड़ी दौलत है ये कनात अगर नहीं होती तो इंसान के अंदर हसद पैदा होता है इंसान दूसरों के माल को देख करके लालच करता है ये मुझे मिल जाए ये चीज़ मुझे मिल जाए और जब कनात इंसान को नसीब होती है तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ये सोचता है कि दुनिया में मुझसे भी तो ज़्यादा परेशान लोग हैं तो अल्लाह के रसूल ने तीन अलामतें बताई कामयाब इंसान की कि इस्लाम वाला हो और उसको बकद्र ज़रूरत रोज़ी मिली हो और तीसरी अल्लाह ताला ने उसको कनात से नवाज़ा हो इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल तिरमिजी के हदीस में फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मालदार कौन है फरमाया कि वर्द बिमा कसम अल्लाह तकन अगन नास अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में जो लिखा है तुम उसके ऊपर राजी हो जाओ तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे नाजरीन ये वो उसूल हैं अगर इनको हम अपना लें हमारी ज़िंदियाँ खुशगवार बन सकती हैं हमारी ज़िंदियों में चैन और सुकून आ सकता है और हमारी बेचैनी और इजतराब खत्म हो सकता है आज भी इस्लाम और ईमान और दीन के रास्ते से ही अमन चैन और सुकून हासिल हो सकता है अल्लाह ताला से दुआ है आलमीन हम सबको खुशगवार ज़िंदगी अता फ़रमाए हमारी ज़िंदगियों में अमन चैन और सुकून अता फ़रमाए और बेचैनी और डिप्रेशन और टेंशन से हम सबको नजात फरमाए आमीन और असल वरमी ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें